देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने भीषण तबाही मचाई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर जोर देने की बात कही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान पूरे जोर शोर से चलाया हुआ है। लेकिन इस टीकाकरण अभियान पर देश में राजनीति भी चरम पर है और विपक्ष लगातार सरकार पर टीकों की कमी के आरोप लगाता आ रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर टीकों की कमी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत को त्वरित और संपूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता है, न कि कोरोना रोधी टीकों की कमी पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के चिर परिचित झूठ और नारों की जरूरत है। आपको बता दें, उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम की फर्जी छवि बचाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास से वायरस को मदद मिल रही है और लोगों के जीवन जीने के लिए खतरा पैदा हो रहा है। वहीं देश में टीके पर राजनीति भी जोरों पर है। कल भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने कोरोना टीका लगवाया है नहीं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया गया और कहा गया कि सोनिया गांधी ने कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं, जबकि राहुल गांधी को अप्रैल में कोरोना हुआ था, जिसके बाद वह वेटिंग पीरियड पे हैं। ऐसे में देखना होगा अब क्या राजनीति रंग लेती है। जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।